नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। कुंभ राशि 30 सितंबर 2019 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। यह जो जानकारी है और चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। शुरुआत करते हैं आज सुबह के पंचांग से। तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष द्वितीया, नक्षत्र रहेगा चित्रा, योग इंद्र, वार सोमवार, चंद्र राशि तुला, अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:36 दोपहर तक, और राहु काल रहेगा 7:45 सुबह से 9:16 सुबह तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु काल में सभी शुभ काम नहीं करने चाहिए, वर्जित होते हैं और थोड़ा संभल कर भी रहना चाहिए। और अभिजीत मुहूर्त में यानी शुभ समय में आप कर सकते हैं कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य, और ये समय में किया हुआ कार्य आपका सफल होने का प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाता है। और शुरुआत करें राशिफल की, उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान को जरूर दबा दें। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें और अपनी कुंडली की विवेचना कराएं, अपने बारे में जानें, कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन से ग्रहों ने कौन से ग्रह को खराब किया हुआ है, किस अच्छे ग्रह पर बुरे ग्रह की दृष्टि है, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं जो हमें अभी तक सुख नहीं लेने दे पा रहे हैं। बाकी सारी दुनिया धीरे धीरे करके सुखी हो गई, क्या आप ही के जीवन में दुख इकट्ठे हैं और कभी अभी तक जा नहीं रहे हैं, क्या आपको ऐसा महसूस होता है? तो हो सकता है आपकी कुंडली में कोई दोष हो, आपकी कुंडली में कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो, तो उन सबसे बचने के लिए पहले उनको जानना जरूरी है। तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, मैं आपको बताऊंगा आपकी कुंडली में कौन कौन से अशुभ योग हैं, उनको दूर करेंगे। अगर कुंडली में कोई अशुभ योग नहीं है तो हो सकता नज़र लगी हो सकता है किसी बंधन में बंधे हो आप, उन सबसे भी मुक्त कराएंगे। तो आपके लिए बहुत सरल तरीका है कि बस नंबर मिलाएं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। अब बात करते हैं विषय की। तो ये विषय है कुंभ राशि 30 सितंबर 2019 का राशिफल। चंद्रमा आज आपके लिए बेहतर स्थिति में है। तुला राशि में चंद्रमा नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव है भाग्य का यानी कि लक का। एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। भाग्य कभी आपके पास चल कर नहीं आता है, भाग्य के पास चल कर जाना होता है। भाग्य जो है वो आपके पास नहीं आएगा। तो यानी कि अगर भाग्य आपसे थोड़ी दूर पर बैठा है तो आपको चल कर जाना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचें कि भाग्य खुद चल कर आपके हाथ में आ जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो जब भी चंद्रमा नवे भाव में होते हैं, भाग्य भाव में होते हैं, तो ये बात जान लीजिए भाग्य का साथ आपको मिलता है लेकिन मेहनत के बाद। फ्री फोकट में कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत जितनी होगी उतना लाभ आपको मिलता चला जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने कहा, चंद्रमा बेहतर स्थिति में है, तुला राशि में है चंद्रमा नवम भाव में और भाग्य स्थान में है। आप अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हैं, अपनी मेहनत से और भाग्य के साथ से आप अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं जो आपको चाहिए, यानी कि आज आप अपने हाथों से अपना भविष्य लिख सकते हैं या लिख सकती हैं। आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने काम स्वयं करते हुए आगे चले जाएंगे। आज के दिन आप बहुत ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे, गुणी होंगे, साहसी होंगे, भाग्यशाली होंगे और सभी महिला पुरुषों के अंदर ये गुण कूट कूट कर भरे होंगे। अब इन गुणों को बाहर लेके आइए, अपनी प्रतिभा का, अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन कीजिए, अपनी कला को समाज के सामने रखिए तो लोग उसकी तारीफ भी करेंगे और उससे आपको लाभ भी होगा। आपकी छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं आज के दिन, जो कि आपको सफलता और फायदा देकर जाएंगी। आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा या विदेश से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, या विदेश जाने में अभी तक कोई समस्या आ रही थी तो उस समस्या का हल आपको मिल जाएगा। आपका विवाह हो गया है तो आपके जीवन साथी के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आप बच्चों के साथ और अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे, जहाँ पर बहुत प्यार भरी बातें होंगी, एक दूसरे का सहयोग होगा, एक दूसरे की चिंता होगी, एक दूसरे की केयर होगी और आप लोग इस पल को बहुत अच्छी तरीके से बिताएंगे और याद भी रखेंगे आने वाले समय में।
आपकी नौकरी व्यापार में छोटे बड़े सम्मान आपको प्राप्त होंगे। कोई काम किया तो उसके लिए आपको शाबाशी मिल सकती है, छोटा बड़ा इनाम मिल सकता है, आश्वासन मिल सकता है भविष्य में तरक्की का। आपको सरकारी नौकरी में बड़ी राहत मिल सकती है। आपको नौकरी व्यापार में छोटे बड़े सम्मान प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी व्यापार में आपके बॉस आपसे खुश होकर आपको कुछ इनाम दे सकते हैं, बोनस मिल सकता है, एक अच्छी प्रमोशन का आश्वासन मिल सकता है, या फिर मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिल सकता है, या घर के करीब आपको ऑफिस मिल सकता है। कुछ भी ऐसा छोटा छोटा सुख आपको अपने बॉस की तरफ से जरूर मिलने वाला है नौकरी में। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए समय बड़ा बेहतरीन है। कोई इंटरव्यू देना है, कोई परीक्षा देनी है, इंटरनल एग्जाम दे के आगे बढ़ना है, प्रमोशन चाहिए तो वक्त बढ़िया रहेगा आज का। कोई प्रमोशन रुकी हुई थी किसी गलत फहमी की वजह से, तो गलत फहमियाँ आपकी बॉस यानी आपके सीनियर से दूर हो जाएंगी। किन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से आपके सुख रुके हुए थे नौकरी को लेकर, तो अब वो जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। आज उसकी शुरुआत हो जाएगी और काफ़ी हद तक वो दूर हो जाएगी, और आने वाले एक दो दिन में आप ऐसा देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपको राहत मिल गई है। तो नौकरी में आपको अच्छे संकेत मिलने के बहुत अच्छे चांस दिखाई पड़ रहे हैं इस समय अंतराल में, नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी हो। आपकी संतान लायक होगी, आपकी संतान आपके कहने पर चलेगी, आपकी बात मानेगी, आपकी शिक्षा को ग्रहण करेगी। आप जैसे कहते हैं कि उसके लिए जो कुछ अच्छा है तो अच्छा है, तो उस बात को वो मानेंगे भी और उस रास्ते पर चलेंगे भी, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं और चाहते हैं कि जल्द ही उनके घर में किलकारी गूंजे, तो वो भी प्लानिंग कर सकते हैं। आज का दिन उनके लिए भी अच्छा रह सकता है। जैसा मैंने कहा, नौकरी के मामले में, शिक्षा के मामले में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप मेहनती होंगे, आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे और अपनी मेहनत से लोगों को बता देंगे कि आप में भी वो दम है। आपकी मेहनत आपका भाग्य उदय करा देगी। आप धर्म कर्म ईश्वर में भी रुचि रखेंगे, ईश्वर की भक्ति से आपकी तरक्की और बड़ी हो जाएगी। आपका पानी का व्यापार है, तरल पदार्थों का व्यापार है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। फैशन से जुड़ा कोई व्यापार है, महिलाओं से संबंधित जुड़ा कोई व्यापार है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। विदेश जाकर पैसे कमाने का कोई व्यापार है कि विदेश से जाते हैं, वहाँ से माल लाते हैं, और अगर ये माल समुद्र के रास्ते से आता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय कहा जाएगा आज का, और आज आप बड़े ऑर्डर्स, बड़े मुनाफे की तरफ बढ़ सकते हैं। आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, महीने का अंतिम दिन है जो कि बेहतरीन है। और एक बात आपको और भी कहना चाहूँगा कि महीने का अंतिम दिन तो बेहतरीन है और अक्टूबर का पहला दिन भी आपके लिए बेहतरीन होगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान को दबा दें, और आपको इच्छा होगी कि 1 तारीख आपके लिए कैसी बीतने वाली है, तो उसका राशिफल भी आपको अतिशीघ्र मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको आज के दिन की शुभकामनाएं, क्योंकि आज आप अत्यंत भाग्यशाली रहेंगे, धनवान बनेंगे, प्रसिद्ध बनेंगे, संतान का सुख प्राप्त होगा, मित्रों का साथ होगा, परिवार का साथ होगा, रिश्ते निभाने वाले आप महिला पुरुष होंगे, यानी खुशहाल महिला पुरुष होंगे, और अपने आसपास के माहौल को भी बहुत खुशहाल बनाकर रखेंगे, और एक जिंदा दिल इंसान होंगे आप, यानी कि आपकी कंपनी लोग पसंद करेंगे, आपके साथ उठना बैठना, बातचीत करना लोग पसंद करेंगे, और जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ माहौल को बदल कर रख देंगे, यानी कि आज आपके साथ जो होगा उसको मुस्कुराना तो पड़ेगा ही, यानी आज आप किसी को दुखी नहीं रहने देंगे, किसी को निराश नहीं रहने देंगे। आपको मौसमी बीमारियों से बचना होगा, और बीमारियों से बचते हुए आपको आगे बढ़ते हुए ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, और आप आज के दिन को सुखद और सफल बना पाएंगे या बना पाएंगी। तो दिन बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ आपका जन्मदिन है आज, मैरिज एनिवर्सरी है, या कोई और शुभ कार्य है, तो आपको उसकी शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत बढ़िया बीते, आपका जीवन जो है कष्टों से बिल्कुल भी भरा हुआ ना हो, कष्ट मुक्त जीवन आप जिए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। इसके साथ साथ आज के दिन की जो आप शुरुआत करें उसमें भगवान भोलेनाथ का जरूर स्मरण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला से शुरुआत करें। नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में माता के भजन से, माता की आरती से आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं, गायत्री मंत्र से शुरुआत कर सकते हैं। और ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र का यदि आप
एक एक माला का जप करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं, और जो आप नित्य पूजाएं करते हैं उसके साथ साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो एक बेहतर दिन रहेगा जहां पर ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे और माँ दुर्गा की कृपा से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो आपका दिन बेहतर जाए, आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। हरिओम, जय माता दी।